को स्वागत है आपका कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 वार की बात करें तो साहब आज वार शुक्रवार आज सबसे पहले अड़त हाजी बहुत भाई की अड़सठ बात करते हैं वीडियो की। आज आगे अगर माल की आवक की बात करें तो आवक लगातार ठीक होते हुए साहब, पर आज बाजार कहीं ना कहीं दबे हैं। एवरेज माल और हल्के माल कभी में लगभग 3 से 4 रुपए टूटे हैं। आज में जो बेस्ट क्वालिटी है जो कल में 24-25 रुपए थे आज 22 रुपए रह चुके हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डरी जो माल है वो बिक्रे आज हमने दो ढेर सबसे स्टाइलिंग कहीं ना बाजार गिरते हुए और संतरा के अंदर कहीं ना कहीं गिरे हुए, लेकिन जो माल है बोला था आप माल की छोटी देखे एवरेज माल की हरा माल लेकर आ रहे हैं और हल्के माल की अगर आप बात करोगे छोटा माल आपको 12-15 रुपए थोड़ा सा आपसे यही निवेदन है। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका गर्मी के मालों में। माल आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में बिकने वाला लाट ये है आज में बेस्ट क्वालिटी, सबसे एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं इनको। इसके अंदर में आपको गोली वाला बिल्कुल माल नहीं मिलेगा, फुल साइज का माल है, पूरा ढेर एक हिस्सा है। आप देखिए पूरे ढेर के अंदर ना तो मीडियम माल है, फुल साइज का माल है, पूरा पूरे ढेर के अंदर है। पूरा ढेर की अगर अपन बात करें तो एकदम बेस्ट क्वालिटी है। फिर क्या बिका है इसकी रेंज दिखाता हूँ आपको। बात करें इसके वजन की तो 20 क्विंटल 50 किलो, मन में बात करें तो 51 मन 10 किलो और बिका है 65,000 रुपये। ये लगभग लगभग 32 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, 32 रुपये किलो बिकने वाला माल है, 31 से 32 रुपये किलो बिकने वाले लाट है। पर माल आप देख ले साहब किसान भाइयों, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। वैसे ये लाट व्यापारिक लाट है पर आप माल देखें, पूरा माल आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको मीडियम माल भी नहीं, फुल साइज का जाना, पूरा पूरा एक जैसा फुल साइज का जाना है, इसी का पैसा है, इसलिए बेस्ट बिका है। सबसे ऊपर बिकने का कारण भी यही है, सबसे बेस्ट दाना है और पूरा एक जैसा माल है, इसलिए अच्छा बिका कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं आपको और भी ढेर दिखाते हैं, एक और ढेर पास में है, इसकी रेंज देखते हैं ये क्या बिका है। माल की बात करें तो माल कुछ इस प्रकार का है, एकदम शानदार माल है। क्या बिका है इसकी रेंज दिखाता हूँ आपको। वजन की बात करें तो 21 क्विंटल 40 किलो, मन की बात करें 53 मन 20 किलो और बिका है 64,000 रुपये। ये लगभग लगभग 30 रुपये समथिंग इसकी रेंज है साहब, 30+ बिका है इसे। माल की बात करें तो माल ही जैसा लाट आपको पहले दिखाया था सेम वैसा का वैसा है। इसके अंदर मीडियम क्वालिटी ना के बराबर है, ना गोली है, पूरा माल एक जैसा है, फुल साइज का माल है, एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी वाला माल है, अच्छी रेंज बिका है। आगे चलते हैं आपको और ढेर दिखाते हैं। इन ढेरों की बात करें तो माल आप देख सकते हैं सभी तरह का माल है, हरा माल भी इसके अंदर में, पीला भी है और इसमें मीडियम दाना भी है। क्या बिका है इसकी रेंज की बात करते हैं। वजन की बात करें तो वजन 18 क्विंटल 55 किलो, मन में बात करें तो 46 मन 15 किलो और बिका है 30,000 रुपये। ये लगभग लगभग बिका है साहब आपके 15-16 रुपये किलो बिकने वाला माल है। कम बिकने के कारण हरा माल, छोटी गोली और मीडियम माल इसके अंदर में है, साथ में काली मच्छी कोई कोई संतरा नजर आ रहे हैं, 15 रुपये की रेंज का माल है। आगे चलते हैं आपको फुल काली मच्छी वाला ढेर है, साइज अच्छी है, मीडियम भी है, मोटी भी है, दानदार माल है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का माल है, लेकिन काली मच्छी लगी हुई है कहीं ना कहीं इसके ऊपर में। क्या बिका है इसकी रेंज देखते हैं अपन। माल की बात करें तो माल बहुत ही शानदार है, मीडियम है, इसमें गोली वाला माल ना के बराबर नजर ही नहीं आ रहा। वजन की बात करें तो 16 क्विंटल 75 किलो, मन की बात करें तो 41 मन 35 किलो और बिका है 28,000 रुपये। लगभग लगभग बिका है 14-15 रुपये किलो। कम बिकने के कारण हरा माल और काली मस्सी 14-15 रुपये किलो के भाव है इसके साथ। आगे चलते हैं एक और थोड़ा मुरझाया टाइप माल है, माल में थोड़ी चमक की कमी है, माल को अगर आप बात करें तो चमक की बहुत कमी है माल के अंदर में। माल कुछ इस प्रकार का है, वजन की बात करें तो 16 क्विंटल 40 किलो, मन में बात करें तो 41 मन और बिका ये 28,000 रुपये। लगभग लगभग बिका साहब ये भी 14-15 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, अधिकतर 14-15 रुपये की रेंज में आते हैं जो भी एवरेज माल है सब। बेस्ट क्वालिटी जरूर बिकी आज में 28-30, बाकी एवरेज सारी 14 से 15 रुपये ही मिली अभी तक तो। एक और डेढ़ आप देख सकते हैं, इसके अंदर मीडियम छोटा दो तरह का माल है। माल की बात करें तो माल में मोटा भी मिलेगा,
और छोटा दो तरह का माल है इसके अंदर में, कुछ तरह के माल सर्कल माल सर्कल ही बने हुए इसके ऊपर में। क्या बिका है इसकी रेंज देखते हैं अपन। वजन की बात करें तो 18 कुंटल 60 किलो, मण की बात करें तो 46 मण 20 किलो और बिका है 24,000 रुपये लगभग लगभग बिका है साहब ये आपके 12.5-13 रुपये किलो माल कुछ इस प्रकार का है, 12.5-13 रुपये की रेंज में बिकने वाला माल। आगे चलते हैं काली मस्सी के अंदर ही जो छोटे छोटे लाट हैं उसी क्या रेंज है उसकी रेंज दिखाते हैं आपको। काली मस्सी वाला माल है, छोटा ढेर है, इसकी रेंज की बात करें तो ये है। वजन की बात करें तो उसमें 11 कुंटल 5 किलो उसका वजन है, मण में बात करें तो 27 मण 15 किलो और बिका है ये 11,000 रुपये लगभग लगभग 10 रुपये किलो बिकने वाला माल है। माल बिल्कुल ही छोटी गोली साइज का है और फिर वो भी काली मस्सी वाला माल है, देख सकते हैं माल किस प्रकार का है। माल पूरा पूरा लाट दिखा देता हूँ आपको, काली मस्सी की शिकायत है और 10 रुपये किलो बिकने वाला माल है। और थोड़े एवरेज ढेर दिखाता हूँ आपको, एवरेज ढेर वो क्या बिक रहे हैं, बेस्ट आपको दिखाए और एवरेज दिखाए। अब थोड़े ज़्यादा हल्के वाली लाट भी दिखाता हूँ आपको, हल्की जगह बिक रहे हैं। एक और अगर लाट की बात करें तो ये माल आप देख सकते हैं, दानेदार माल है, दानेदार माल है, देख सकते हैं आप इस प्रकार का माल है और काली मस्सी वाला माल है। ऐसा माल क्या बिक रहा है, बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसा माल भी रहेगा, तो ये क्या बिक रहा है इसकी रेंज दिखाते हैं आपको। वजन की बात करें तो 12 कुंटल 60 किलो, मण में बात करें तो 31 मण 20 किलो और बिका है ये 15,000 रुपये। ये लगभग लगभग 11.5-12 रुपये किलो बिकने वाला लाट है, 11.5-12 रुपये किलो बिका है और माल कुछ इस प्रकार का है जो आपको दिखाया है, 11.5-12 रुपये किलो की रेंज का माल है। आगे चलते हैं आपको एक फुल पीला ढेर दिखाते हैं, फुल पीला पका हुआ ढेर, ये क्या बिक रहा है, हरे हरे माल की हल्की हल्की छाट है इसके अंदर में, क्या रेंज है इसकी। रेंज की बात करें तो माल आप देख सकते हैं फुल पीला पका हुआ ढेर है, शानदार, क्या बिका है इसकी रेंज देखते हैं अपन। 19 कुंटल 90 किलो उसका वेट है, मण की बात करें तो 49 मण 30 किलो और बिका है 36,000 रुपये। ये बिका है लगभग लगभग आपके 18 रुपये किलो, फुल पीला पका हुआ माल है, माल अच्छा है, बस इसके अंदर में मीडियम और गोली कोई कोई नज़र आ रही है इस माल के अंदर, इसलिए थोड़ा सा कम बिका है। आगे चलते हैं आपको एक और डेर दिखाते हैं जिसमें हरे माल की छाट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं काली मस्सी वाला माल भी है, हरे माल की छाट भी है और साथ में एवरेज माल भी है। अब एक क्या बिका है इसकी रेंज देखते हैं अपन किसान भाइयों। माल की बात करें तो माल में चमक थोड़ी कम है, काली मस्सी है और हरे दाने दिख रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर में, बीच बीच में जो अधे पके हैं, पकी वाली स्थिति में नहीं है। वजन की बात करें तो 9 कुंटल 70 किलो और अगर मण में बात करें तो 24 मण 10 किलो और बिका है 14,000 रुपये। ये बिका है लगभग लगभग आपके 11-12 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, 11-12 रुपये किलो बिकने वाला। आपको हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट हम 70 के भाव दिखा रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों 70 पूरा वीडियो देखें आप ताकि पूरा पूरा आपको अंदाज़ा लग जाए। एक और किसान लाट है, माल देखो आप, गोली बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर में, आप देख सकते हैं कि किसी किसान भाई का लाट होगा, छटनी नहीं की इसके अंदर, छटनी करते तो अच्छा पैसा मिलता। इसी के अंदर ये गोली भी है, इसी के अंदर बेस्ट भी है, इसके अंदर एवरेज भी। देखो मैं आपको तीनों तरह के एक ही ढेर के अंदर में बेस्ट एवरेज और बिल्कुल गोली, तीनों तरह के किसी किसान भाई का लाट होगा, छटनी नहीं की है और हरे माल की छाट भी इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो अभी पका नहीं वो भी तोड़ के लेके आ चुके हैं। बात करें वजन की तो 17 कुंटल 50 किलो उसका वेट है, मण में अगर बात करें तो 43 मण 30 किलो और बिका है 22,000 रुपये, लगभग लगभग बिका है आपके 12-13 रुपये किलो समथिंग इसकी रेंज है। माल बहुत बेस्ट क्वालिटी का, छटनी नहीं की किसान भाई ने, अगर छटनी करते तो अच्छा पैसा आता है इसका। इसमें सभी तरह का माल है, एवरेज भी है, गोली भी है और हरा माल की छाट भी इसके अंदर। आगे चलते हैं, आगे आपको ढेर दिखाते हैं, इसके अंदर भी वो स्थिति सेम पोजीशन जो पास वाला ढेर था, हरे माल की छाट आप देख सकते हैं कितनी है और जिन माल को छाट के अलग करना था वो भी इसी के अंदर है। माल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हैं, क्या बिके हैं इसकी रेंज देखते हैं अभी, पहले आपको लाट दिखाता हूँ। इसके अंदर में आपको 70 की क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट एवरेज 70 की। रेंज की बात करें तो रेंज दिखाता हूँ आपको उसकी, वजन है इसका 19 कुंटल 25 किलो, मण में बात करें तो 48 मण 5 किलो और बिका है ये आपके 22,000 रुपये लगभग लगभग बिका साहब आपके 11.5-10 रुपये की समथिंग इसकी रेंज है।
इस पे भी सेम गलती है, इसके अंदर भी हरे माल की छाट है और गोली वाला जो माल जो अलग करना था वो इसी अंदर डाल दिया। किसान भाई उसके अंदर आपको तीन तरह की क्वालिटी नजर आएगी, देखना आप इस माल को। ऊपर वाला जो लाल जो संतरा मैंने पकड़ रखा है इसकी रेंज है लगभग 25 रुपये, सेकंड वाले की रेंज है साहब 13-14 रुपये और जो गोली में रात में इसकी रेंज है 8-10 रुपये। तीन तरह का माल इसके अंदर में, साथ में चौथी वैरायटी है आप ये हरी संतरा देख सकते हैं, इसकी रेंज है 12 रुपये। इसके अंदर चार तरह की क्वालिटी मिक्स कर रखी है। किसान भाई अगर इसकी छटनी करता तो पैसा उसको अच्छा मिलता, लेकिन इन्होंने छटनी नहीं की है, सभी तरह का माल मिक्स कर लिया और पड़ता बैठ गया और लगभग 10.5 रुपये किलो इनका माल बिका है। अगर इसकी माल की छटनी करते अलग अलग क्वालिटी करते तो इनको अच्छा पैसा देखने को मिलता। ठीक किसान भाइयों, राम राम, मिलते हैं फिर वापस। निवेदन है आपसे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करें और अपने छोटे भाई की चैनल पर साथ अपना प्रेम आचरण संगठन बना करके। जय श्री राम, मिलते हैं फिर वापस। 75 के 100 जावे क्या 9000 से? हाँ भाई 9000 बेदो 9000 500 600 10000 क्या भाई 10000 500 500 पैसा तो नगर लगूं बहुत है 600 दे दे 10600 अरे ले ले लेता हूँ दे 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 दी चलो ये ले बीस रुपये किलो भाई साहब आप सोच रहे हो क्या 5-6 रुपये किलो में नारंगी मिले तो छोरा मिलेगा आपको इससे क्या करें किलो 20 रुपये किलो बिका है। एक पर दो 15000 16000 पप्पू है 16000 एक साथ दो 15000 आवना 16000 16000 एक टन 1 टन 1 टन 16000 16000 11 रुपये किलो 16000 एक टन 16000 एक साथ दोनों बिक रहे हैं ये भी और ये भी। ये लो किस कुंटल 50 किलो13000 गिनती में ज्यादा भाई। हाँ भाई 9.5 रुपये किलो बिक रहा माल। दस हजार दस हजार ट्रेन का डिब्बा कहाँ जाएगी? दस हजार हेलो 10000 10000 जीतू 10.5-11 रुपये 15000 13 कुंटल 40 किलो 15000 अरे माइक चला रहे 15000 चलो ये लो 20000 16-60 20000 16 कुंटल 60 किलो 12 रुपये किलो 20000
20,000 हेलो करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, पीछे 20,000 रुपया17,500 ठीक है भाई, लाइव का एंड करते हैं। फेसबुक पे जो भी भाई लाइव देख रहे हैं, बाजार आज में थोड़ा डाउन है भाई, पहले किले कर देता हूँ आज में, आओ के लगाते स्टैंड रहते हुए, और बाजार थोड़ा डाउन है आज में। फेसबुक लाइव वाला भाइयों को पहले किले कर देता हूँ सब। और निवेदन आपसे कि इस वीडियो को अपने अपने फेसबुक पेज पर सभी शेयर करें, पोस्ट करें, इसको शेयर करें अपनी अपनी आईडी पे। ठीक है भाइयों, जय श्री राम, मिलते हैं फिर वापस।